हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो तिल का ताड़ में। दोस्तों, जब जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, हमें कुछ ना कुछ बुरी खबर सामने ज़रूर नज़र आ जाती है। अब इस खबर को ही देख लीजिए, बांदा की इस महिला के साथ रेप करके उसका वीडियो बना लिया गया और आरोपी उससे पैसे मांगने लगा। जब वो पैसे नहीं दे पाई तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस तरह के मामले रोज़ाना हमारे सामने आते हैं। आपको पता है, मेरी एक दोस्त ने गलती से एक अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल उठा लिया था और उस व्यक्ति ने मेरी दोस्त का स्क्रीनशॉट लेकर उसकी फ़ोटो को अश्लीलता से एडिट कर दिया और फिर वो उसे धमकी देने लगा कि अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उसका फ़ोटो वायरल कर देगा। इसलिए हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम इंटरनेट पर खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आप किसी भी अनजान लिंक को खोलने से पहले उसके बारे में ज़रूर सोचें। अगर आपको लगता है कि आपको जो लिंक भेजा गया है वो किसी का प्राइवेट वीडियो है या फेक वीडियो है, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। या जिस व्यक्ति ने आपको वो वीडियो भेजा है, वो लिंक भेजा है, उसे भी रिपोर्ट करें। अब आइए समझते हैं कि आप इंटरनेट पर किसी को भी रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। किसी भी ऐसी पोस्ट जिससे आप सहमत ना हो या आपको ये लगे कि ऐसा पोस्ट बड़े जनसमूह में झूठ फैला रहा है, ऐसी पोस्ट को तुरंत रिपोर्ट करें। ऐसा करने पर वो वेबसाइट उस रिपोर्ट को तुरंत नोट करता है और वो पोस्ट हमें दिखना बंद हो जाती है। लेकिन ऐसा कैसे करें, आइए जानते हैं। पहले आप उस वीडियो या फोटो के किनारे बने 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे और फिर उस पर एक ऑप्शन देगा रिपोर्ट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक और ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा इनअप्रोप्रिएट, यानी कि अश्लील। उसमें अन्य निर्देश भी दिए होंगे, आप उसमें से चुन सकते हैं, जिससे इस प्रकार की कोई भी वीडियो या फोटो आपको दोबारा नहीं दिखेगी। कोई भी लिंक या मैसेज खोलने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अक्सर, खासकर लड़कियां, इंटरनेट पर गलत तरीके से वायरल हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम की शिकार हो जाती हैं। इस तरह की फेक वीडियोज़ या अश्लील तस्वीरों को वायरल कर रहे लोगों को पकड़ना अब टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आसान हो गया है। लेकिन कई बार महिलाओं और लड़कियों के लिए साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर पाना या साइबर सेल तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप टेक सखी की मदद से बहुत आसानी से साइबर क्राइम सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टेक सखी हमारी वो दोस्त है जो हमें डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी हर परेशानी में हमारी मदद कर सकती है। बस आपको करना ये है कि आपको ऑनलाइन दुनिया या अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर कोई भी खतरा लगे तो तुरंत टेक सखी के फ़ोन नंबर 0804568500 पर कॉल करना है और टेक सखी आपको क्राइम सेल तक पहुंचने में या इंटरनेट को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के सवालों को लेकर जवाब देगी। यानी डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी अब हर जानकारी सिर्फ एक कॉल दूर है। आप चाहें तो अपने किसी भी नज़दीकी साइबर क्राइम फोरम में डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर जुड़ी हर जानकारी को तिल का ताड़ ना बनाएं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को साइबर क्राइम मुक्त बनाएं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।